No. Hey. भूल गए. आई लॉस्ट काउंट ऑफ द नंबर्स. शट अप. बता रही उसके टंग में चोट है, वो नहीं खा सकती है. आज ही मुझे लगी यम्मी. The next day. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. इन हैदराबाद में आप सबका स्वागत है. हैप्पी बर्थडे टू मी. और ये बर्थडे की शुरुआत किचन साफ करके मैं बर्थडे की शुरुआत करूंगी, क्योंकि आज शारदा नहीं आई. अगर आपने कल का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाइए जल्दी से देखिए कल हमने क्या क्या किया था. आज मैं क्या क्या करूंगी वो सब मैं शेयर करूँ, तो एंड तक देखिएगा मेरा व्लॉग. तो लाइट जल रही है क्या? नहीं, लाइट चल रही है. ना? हाँ, लाइट चल रही है. लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट साइड पे रहेगा. ये पिस्ता हाउस मंदी का नाम हम लोगों ने बहुत सुना था, लेकिन एक बार भी जाने का मौका नहीं मिला था. तो मैं प्लान करके थी कि मैं मेरे बर्थडे पर जाऊंगी. और वाकई में इन लोगों ने इंटीरियर बहुत ही अच्छा बनाया है. बिल्कुल रॉयल टच दिया था इन लोगों ने इंटीरियर को. और यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे, पर हम लोग नीलोफर और फैज का वेट कर रहे थे. और ये हमारे बच्चे मिल गए. खिजर के बिना अब कोई भी सेलिब्रेशन इनकम्प्लीट लगता है. जब तक इन लोग दोनों मिले ना, मस्ती ना करे, मज़ा ही नहीं आता है. प्लीज़ माशाल्लाह, आप लोग भी कहिए अल्लाह नज़रबद से बचाए इन दोनों के प्यार मोहब्बत को, ऐसे ही रखे. और खाना का इंतज़ार करते हुए लोग खुलने तो दीजिए वीडियो को. और मैं यहाँ फिर से रिकॉर्डिंग ऑन किए बिना ही पूरा रिकॉर्ड कर रही थी. एक दूसरे को करो. और यहाँ साजिद अपना फेवरेट काम करते हुए इंस्ट्रक्शंस देना. और सुनो, कोल्ड ड्रिंक अगर बेचेगा तो उसका मोजीटो कहाँ से बिकेगा? लड़का अब सालों में आएगी न्यूज में. क्या चीज के लिए? ऐसा आवाज आता है नेबर्स को, बर्तन फेंकने का, बच्चों के ऊपर बच्चों का रोने का आवाज आता है, फिर अचानक से औरत को हंसने का आवाज आता है, तब उसके पति का फोन आता है. ये लग रहा है मेरे मुंह से कुछ छीन के चला गया. मम्मा कैसा टेस्ट? ये और ये मेरा भाई मेरी व्लॉगिंग के लिए एक्स्ट्रा कंटेंट देते हुए. मैंने उसे कहा भाई पैसे नहीं मिल रहे इसके. सच सच बोल सकते हैं स्वीट डिश कोई खास नहीं था.
मुझे कुबानी का मीठा अच्छा ही लगा था। जब भी खिजर और नौरीन मिलते हैं तो आयशा का जिक्र होना तो लाजमी है। मेरी गुड़िया। तो फ्रेंड्स, मेरा गिफ्ट रह गया था पेंडिंग। बच्चों ने जो मुझे दिया है वो मैं दिखाऊंगी, लेकिन साजिद की तरफ से क्या गिफ्ट है वो मैं लेने के लिए जा रही हूँ। ये मेरे लिए दुनिया का सबसे कीमती गिफ्ट है, क्योंकि ये शायद मुझे लगता है मेरे अचीवमेंट्स हैं। और ये है बलि का बकरा। वेस्ट है बाहर से लेना, फिर वही होता है नकली। लो, 2 महीने में टूट गया, खत्म कहानी। हम लोग के पास कौन सा है? 7 है ना, ये 9 है। 7 बंद है, 8 भी बंद, सब ऑनलाइन में मिल जाएगा आपको। ये बड़ा छोटा सा दिख रहा है, क्या है ये? मिनी आईपैड मिनी। ये पेन के साथ आ रहा है, टीचिंग एंड ऑल के लिए बहुत अच्छा रहता है। यहाँ बताइए, आईफोन 14 512 1 लाख। ओके, 10,000 का डिफरेंस है 14 और 15 में। 13 लोगी तो 90 है। आईफोन 15 मुझे तो यहाँ मिला नहीं। एक्चुअली क्या है ना, 512 GB का प्रॉब्लम है, आईफोन 15 तो बहुत ही है। हम उसे लेके क्या करें? अब चलते हैं दूसरी शॉप पे। चलो आईफोन 15 ना सही, चाय तो पी लेंगे। और इन लोगों की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, क्योंकि ये सच में बहुत मेहनत करते हैं। और ये जो बड़े बड़े पूछ लेंगे आप, सर में पहन कर रहते हैं ना, वो बहुत भारी होता है। एक्सपेक्टिंग कि मुझे मिल जाएगा यहाँ पर, नहीं है। ये 15 है, हम लोग देख रहे हैं 15 प्रो टेक चल रहा है। ये जीत रहा हूं पूरे हैदराबाद में 512 GB आईफोन 15 नहीं है, 256 है। लेट्स सी। बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी एक बार ट्राई कर लिया, शायद यहाँ पर हो, पर वहाँ पर भी नहीं था। नहीं है। और यहाँ मैंने देखा 999 में 3 का एक बोर्ड लगा हुआ था ड्रेस का, तो मैं उतर कर चेक कर रही थी कि वो जेन्युइन में क्या है, 999 में 3 क्या है। पर तो वो ड्रेसेस जो 999 में 3 दे रहे थे वो पहनने के लायक थे भी नहीं। और गाइस, एक नॉलेज के लिए मैं बोल रही हूँ, आप जहाँ से भी शॉपिंग कर रहे हो, जहाँ पर भी 50% सेल लगा करके रख देते हैं, आप प्राइस चेक करिए कि इज़ इट वर्दी 50% के। 2000 में आप 50% कर रहे हो, या 3000 रख दे रहे हो 50% कर रहे हो, क्या ये वर्थ है, या सच में उसका 50% से भी कम रेट है। Scarf.
एनिवर्सरी में कुछ गिफ्ट लिया था और फिर बर्थडे में भी मुझे अभी कुछ भी नहीं मिला, तो साजिद ने बोला कि कुछ भी ले लो जो तुम्हें लेना था। तो मुझे हील्स लेने थे एक्चुअली, तो हम गए पायल, लेकिन वहाँ पर एज़ यूजुअल मुझे थोड़ा यशवीन के बिना समझ में भी नहीं आता है। साजिद ने कहा कि ठीक है तुम यशवीन के साथ आराम से आ जाना। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरे व्लॉग इंफॉर्मेटिव इंटरटेनिंग लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और जितना से जितना हो सके अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।